नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, अगर आप भी एक नए यूट्यूब चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप भी अपने यूट्यूब का जो लोगो है वो चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो तरीकों से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने जा रहा है। तो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लव, आप देख रहे हैं टेक्निकल पल्लव। तो चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को अपने मोबाइल पर YouTube ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए दाएं तरफ ठीक ऊपर में कोने में मेरा फोटो का आइकन दिखाई देगा आप लोगों को। सिंपल से यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरा चैनल का नाम और मेरा फोटो का आइकन यहाँ पर शो होने लगा है। आपको सिंपल सा फोटो का आइकन में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए फोटो का ठीक दाएं तरफ एक सेटिंग्स वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। सिंपल सा यहाँ पर सेटिंग्स वाला आइकन में क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए फोटो के ठीक बीच में एक कैमरा आइकन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। सिंपल से यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए फास्ट में है टेक ए फोटो। अगर आप फोटो खींचना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फोटो भी खींच सकते हैं और अपने चैनल का आइकन में लगा सकते हैं। दूसरा है चूज फ्रॉम योर फोटोज़। अगर आपके पास ऑलरेडी फोटोज हैं गैलरी में, तो यहाँ पर आप फोटोज़ भी लगा सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास ऑलरेडी फ़ोटो है, यहाँ पर मैं दूसरे में क्लिक कर देता हूँ, चूज़ फ्रॉम योर फोटोज़ में। यहाँ पर देखिए मुझे फास्ट वाला फ़ोटो चूज़ करना है। तो चलिए, इसको ये वाला फ़ोटो मैं दे देता हूँ। और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में है सेव, आपको सिंपल सा सेव में क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पर मेरा फ़ोटो का आइकन यहाँ पर सेव होने लगा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरा फ़ोटो का आइकन यहाँ पर सेव हो गया है। तो आप ऐसे ही अपने चैनल का फ़ोटो यहाँ पर सेव कर सकते हैं, वो भी मोबाइल से। तो दोस्तों, यहाँ पर आप गूगल क्रोम से भी अपना फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में फ़ोटो का आइकन दिखाई देगा आप लोगों को। सिंपल सा यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरा चैनल का नाम और मेरा फ़ोटो यहाँ पर शो होने लगा है। आपको सिंपल सा यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगर आपके पास दो जीमेल एड्रेस है तो यहाँ पर दोनों ही शो होगा। अगर आपके पास एक है तो एक है तो कोई बात नहीं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को, अगर आपके पास दो जीमेल एड्रेस है तो आपको सबसे पहले चूज़ करना होगा कि आप कौन सा फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं। तो मुझे मान लीजिए मुझे सेकंड वाला चूज़ करना है। तो सिंपल से यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए फेसबुक के नीचे दो जीमेल एड्रेस यहाँ पर शो होने लगा है। आपको सिंपल सा वही वाला चूज़ करना है जिसका आप फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं। तो चलिए, मान लीजिए मुझे जो फास्ट में जो जीमेल एड्रेस शो होने लगा है वही वाला चेंज करना है। तो सिंपल से यहाँ पर टैप कर देता हूँ। तो जैसे टैप करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए फास्ट में आ गया है रिमूव अकाउंट और दूसरा है गूगल अकाउंट। मुझे रिमूव अकाउंट नहीं करना है तो गूगल अकाउंट में मैं टैप करता हूँ। तो जैसे टैप करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला है होम, दूसरा है पर्सनल इन्फो, तीसरा है डाटा एंड पर्सनलाइजेशन, चौथा है सिक्योरिटी और पीपल एंड शेयरिंग है पाँचवें नंबर में। आपको सिंपल सा पर्सनल इन्फो में क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे फास्ट में आ गया है फोटो। ये फोटो हेल्प्स पर्सनलाइज योर अकाउंट। आपको सिंपल सा फोटो आइकन में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रोफाइल फोटो। आपको सिंपल सा एक है कैंसिल और दूसरा है सेव प्रोफाइल फोटो। आपको सिंपल सा सेव प्रोफाइल फोटो में क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए फास्ट में आ गया है टेक फोटो और दूसरा है चूज फोटो। आप तुरंत फोटो भी खींच कर यहाँ पर लगा सकते हैं, और अगर आपके पास गैलरी में फ़ोटो है तो आप चूज फोटोज में भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास ऑलरेडी फ़ोटो है तो चलिए यहाँ पर चूज फोटोज में क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए फास्ट में आ गया है गैलरी और दूसरा में आ गया है फोटोज। आपको गैलरी में देना है और जस्ट वंस में भी क्लिक कर सकते हैं और ऑलवेज में भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे जस्ट वंस में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए वही वाला फ़ोटो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप ऐसे करके ही अपने फ़ोटो गूगल क्रोम से ऐड कर सकते हैं।
तो आप ऐसे ही दो तरीकों से यहाँ पर आपका YouTube का जो लोगो है, जो आपका फोटो है, चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, और एक बात, मेरे चैनल पर एक गिव अवे कॉम्पिटिशन चल रहा है। अगर आप भी इस गिव अवे कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को जरूर फॉलो करना। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।